हरिओम विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में देखेंगे पाठ 8 पुनरावर्तन। जो लास्ट पाठ है इसका मैं आज पुनरावर्तन करवाऊंगी। तो यहाँ पे जो पाठ 8 है वो भरत विलाप एकांकी है। तो हम यहाँ देखते हैं कि राम भरत विलाप का जो पाठ है, वन का एक भाग, कुटिया के बाहर राम सीता बैठे हुए। कुटिया का अर्थ क्या होता है विद्यार्थी मित्रों? कुटिया यानी कि झोपड़ी। कुटिया यानी कि झोपड़ी। तो कुटिया के बाहर राम सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। राम भाई लक्ष्मण, जरा देखो तो यह आवाज कहाँ से आ रही है? राम क्या कहते हैं कि भाई लक्ष्मण, जरा देखो तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? इतने कि राम लक्ष्मण ने कहे छे कि भाई जो आ आवाज क्याथी आवी रही हो छे। लक्ष्मण इधर उधर देखकर, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। इतने के कहे छे लक्ष्मण के स्वामी, सामे थी कितना लोगो आता जो दिखाई रहा छे। राम कौन है जरा ध्यान से देखो। राम सु कहे छे कौन कौन लोगो छे जरा ध्यान थी जो। लक्ष्मण ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। शायद यानी कि कदाचित। शायद का अर्थ क्या होता है? कदाचित। सावधान हो जाना यानी कि चौकन्ना हो जाना। मुहावरा चौकन्ना हो जाना। शेर की दहाड़ सुनकर सब लोग सावधान हो जाते हैं। इसका वाक्य बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? शेर की आवाज सुनकर लोग सावधान हो जाते हैं, यानी कि सावधान हो जाना। तो राम हंसते हुए, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात सब करने लगते हो। सब का अर्थ है शंका। शक यानी कि शंका। शक का अर्थ क्या है? शंका। तो भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात सब करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। राम सु कहे छे हंसता जाइने के भाई लक्ष्मण तू तो कई बात अगर पण शंका करवा लाग्यो छे। आटला वर्ष भरत जोड़े रहीने पण तेने तू ओळखी ना सक्यो। लक्ष्मण उत्तेजित होकर एकदम गुस्से थईने पहचाना क्यों नहीं? उसी मां का तो बेटा है जिसे वनवास दिलाया। એટલે તે એકદમ ગુસ્સે થઈને કહે છે કે એની માનો જે છોકરો છે કે જેને આપણને વનવાસ આપ્યો છે। સીતા ઇસમે બેચારા ભરત કા ક્યા દોષ? સીતા શું કહે છે? આમાં બિચારા ભરતનો શું દોષ? દોષ યાની કે અપરાધ। દોષ કા અર્થ ક્યા હોતા હે? અપરાધ। दोष का अर्थ क्या होता है? अपराध। इसमें बेचारे भरत का क्या दोष? लक्ष्मण लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। એટલે કે લો બધા લોકો આ બાજુ જ આવી રહ્યા છે। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आता है। એટલે ભરત દોડતો
एटले के उत्तेजित होना यानी कि गुस्सा होना। भरत, रोते हुए मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, एटले के मने क्षमा करो प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, एटले के तमने वनवास आपवामां मारो कोई ज हाथ नथी, आप मुझसे बड़े हैं एटले के तमे मारा थी मोटा छो, आप ही को राजा बनना चाहिए एटले के तमारे ज राजा बनवू जोईए, मैं आपको लेने आया हूँ एटले के हूँ तमने लेवा आव्यो छू, आप सब अयोध्या चलिए एटले के तमे बधा अयोध्या चालो, इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है एटले के आ नगरजनना लोकोनी पण आज इच्छा छे के निराश न कीजिए प्रभु, एटले के प्रभु निराश करशो नहीं। राम, भाई भरत में तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, एटले के शू कहे छे राम के भाई भरत हूँ तारो प्रेम जोईने बहुज खुश छू, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने वन में आया हूँ, शू कहे छे के भाई हूँ तारो प्रेम जोईने बहुज खुश छू, परंतु हूँ माता पिता की आज्ञा नु पालन करवा माटे वन में आव्यो छू, वनवास पूरा करके ही लौटूंगा एटले के वनवास पूरो करीने पछी ज हूँ आवीश। एक नागरिक, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा एटले के ना प्रभु स्वामी, तुम्हारे हमारी साथे ज चालवानुं छे, आपके बिना प्रजा दुखी है एटले के तुम्हारा वगर प्रजा दुखी छे, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है एटले के प्रजा ने सुखी राखवू ए राजा नो फर्ज छे। राम, नगरजनों इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य यानी कि फर्ज। नगरजनों ने कहे छे के आ समय मारा माता पिता ने आज्ञा नु पालन करू ए सौथी पेलू कर्तव्य छे, भरत मेरा भाई है एटले के भरत मारो भाई छे, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटू तब तक भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा, एटले के ज्यां सुधी हूँ वनवास पूरो करीने पाछो नहीं फरू त्यां सुधी भरत तमारा बधानो सुख दुख नु ध्यान राखशे, आ मारो आदेश छे एवू राम कहे छे। भरत, कुछ सोच कर एटले के कई तो विचारीने, अच्छा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा एटले के प्रभु ने नमस्कार करे छे के सारू, जेवी स्वामी तमारी आज्ञा, पर मेरी एक विनंती है एटले के पण मारी एक विनंती छे, उसे स्वीकार करे एटले के तेनो तमे स्वीकार करो। राम कहे छे बोलो क्या चाहते हो, एटले राम कहे छे बोलो शू विचारो छो शू जोईए छे। भरत, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाओ दीने, एटले के भरत कहे छे कि मने तमारा पगनी आ पादुका खड़ाओ यानी कि लाकड़ानी बनेली पादुका, खड़ाओनो अर्थ शू थाय छे विद्यार्थी मित्रों, लकड़ी की बने खड़ाओ। लकड़ी की बनी पादुका तो खड़ाओ, राम कहे छे के खड़ाओ खड़ाओ क्या करोगे, एटले के पादुका
भरत इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरफ राजकाज करूंगा। એટલે કે ભરત એવું કહે છે કે આને હું સિંહાસન પર મૂકીશ અને તમારા આગમનના સમય સુધી હું આના ઉપર રાજ્યનો કારોબાર સંભાળીશ। ભરતના પ્રેમ દેખકર રામ સીતા લક્ષ્મણ ગદગદ હો જાતે હૈ। ગદગદ હોના યાની કે પુલકિત હોના, આનંદિત હોના, खुश होना। भरत नो प्रेम जोईने राम सीता अने लक्ष्मण खूब ज खुश थई जाए छे। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं, એટલે કે રામ આગળ જઈને ભરત ને ગળે લગાવે છે। ખડાઉ લેકર ભરત તથા નગરજન રામ और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। એટલે કે તેમની ચરણ પાદુકા લઈને ભરત અને તેની સાથે આવેલા નગરજનો રામ અને ભરતને જય બોલતા વિદાય થાય છે। તો ગલે લગના યાને કે પ્રેમ સે મિલના, ઉત્તેજિત હોના યાને કે ગુસ્સા હોના, સાવધાન હો જાના યાને કે ચોકન્ના હોના, એ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રો मुहावरे के अर्थ हैं जो परीक्षा में पूछा जा सकते हैं। उसके बाद आगे तो भरत को आते इसमें से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई। तो भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि लोग लड़ने आ रहे हैं। राम को देखकर भरत ने क्या किया? तो राम को देखकर भरत ने राम के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी। राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते थे? तो राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना वनवास पूरा करना चाहते थे। राम ने नगरजनों से क्या कहा? तो राम ने नगरजनों से कहा कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भरत को आप अपना राजा माने, यह मेरा आदेश है। भरत की जगह आप होते तो क्या करते? तो भरत की जगह मैं होता तो राम को लेकर ही अयोध्या लौटता। किसी भी प्रकार से राम को अयोध्या लौटने के लिए सहमत करता, अथवा मैं भी राम के साथ वन में रहकर उनकी सेवा करता। उसके बाद राम सीता और लक्ष्मण कहाँ गए थे? तो राम लक्ष्मण सीता वन में गए थे। राम ने नगरजनों को क्या समझाया? अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए
नगरजनों को क्या समझाया? तो राम ने नगरजनों को समझाया कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक आपके सुख दुख का ध्यान भरत रखे, आप उसे राजा माने। ये बड़ा प्रश्न में पूछा जा सकता है। राम ने भरत को क्या दिया? उसके बाद कुछ निशाने विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि यहाँ पे ऐसे जिब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ पे कोई इंसान चल के जाता है तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? पैदल यात्री क्रॉसिंग। यहाँ पे तो ये साइकिल जा रही है विद्यार्थी की, तो इससे साइकिल दूरी हुई हो तो साइकिल क्रॉसिंग करते हैं। उसके बाद अगर ऐसा चौरस किया हो और उसमें यहाँ पे ऐसा प्लस का निशान किया हो और यहाँ पे खाट बनाया हो, यहाँ पे खाट हो तो उसको क्या कहते हैं? तो हॉस्पिटल, अस्पताल। क्या कहते हैं? अस्पताल, हॉस्पिटल भी बोला जा सकता है। उसके बाद विरोधी शब्द है कुछ सुबह, सुबह का विरोधी क्या होता है? तो शाम। सुबह का विरोधी क्या होता है?
शाम। और दिन का विरोधी क्या होता है? तो रात। दिन का विरोधी क्या होता है? रात। दोस्त तो दुश्मन। दोस्त तो दुश्मन। सूखा तो गीला। सूखा तो गीला। मूर्ख मूर्ख तो पंडित। मूर्ख तो पंडित। अंधकार अंधकार का विरोध क्या होता है? प्रकाश। अंधकार का विरोध क्या होता है? प्रकाश। उजाला। इस तरह के कुछ समानार्थी शब्द भी हैं। जैसे कि दोस्त तो मित्र। मूर्ख तो बेवकूफ। मूर्ख का समानार्थी शब्द क्या होता है? बेवकूफ। और विलोम शब्द पूछा हो तो पंडित। क्या होता है? पंडित। और सुबह सुबह का समानार्थी शब्द क्या होता है विद्यार्थी मित्रों? प्रातःकाल। सुबह का समानार्थी शब्द क्या होता है? प्रातःकाल। वक्त वक्त का समानार्थी शब्द होता है समय। वक्त का समानार्थी शब्द होता है समय। तो इस तरह के एग्जाम में आ सकते हैं। भरत राम के पास पहुंचकर क्या करता था? क्या करता है? तो भरत राम के पास पहुंचकर उसके चरण छूकर माफी मांगता है। सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखे। तो सबसे बड़े पक्षी का नाम विद्यार्थी मित्रों शुतुरमुर्ग है, याद रखना। सबसे बड़े पक्षी का नाम शुतुरमुर्ग है। और विदेशी पक्षी का नाम पूछा हो तो कातुआ लिखना। क्या लिखना? कातुआ। कातुआ क्या है? विदेशी पक्षी है। और जो सबसे बड़ा पक्षी है वो शुतुरमुर्ग, जो गुजराती में सांगरू कहवाए छे। जो कातुआ है उसको गुजराती में काका कौवा कहवामां आवे छे। तो हमारे शरीर का एक वक्त का खाना हजम करने में कितने घंटे लगते हैं? तो हमारे शरीर का एक वक्त का खाना हजम करने में 12 घंटे लगते हैं। लड़का रसोई घर में क्या कर रहा है? तो लड़का रसोई घर में खाना खा रहा है। दादी माँ क्या कर रही है? तो दादी माँ पुस्तक पढ़ रही है। तो विद्यार्थी मित्रों आ हतुं आपणे पाठ 8 पुनरावर्तन। जे आजनो वीडियो आपणे प्रथम सत्रनो कोर्स अहीं पूर्ण थई जाय छे। हवे तमे आ बधा वीडियो जोईने परीक्षानी तैयारी करजो। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।